My name is Nanandar Yusuf. I represent Math Learning Challenge. Previous time हमने exercise 1.1 की, 1.2, 1.3. आज इस chapter की last exercise 1.4 करेंगे. इसका first question है, इसे solve करने के हमारे पास दो method हैं. एक factorization का method है, दूसरा जो method है हमारे पास वो है quadratic formula. पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे फैक्टराइजेशन करेंगे या उसके बाद हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, स्केलिंग ऑन बोथ साइड. बोथ साइड हमने स्केलिंग ले ली. 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 16. स्क्वायर रूट और स्क्वायर. अब इसमें हमने क्या करना है, 2x प्लस 5 का a प्लस b का स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट. 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 टू द 10, 20x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, 7x प्लस 16. अब इस वैल्यू को उठा के अपनी तरफ ले आऊँगा, 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x माइनस 7x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक स्टेटमेंट. अब हमने जो प्लस करना है प्लस कर देंगे, जो माइनस करना है माइनस कर देंगे. 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7x प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. अब मैंने क्या किया, जो x वाली वैल्यू थी वो x के साथ कर दी, जो सिंपल वैल्यू थी वो सिंपल वैल्यू के साथ हमने अरेंज कर दिया. अब 20 में से 7 माइनस करें 13 आ जाएगा, और 25 में से जब हम 9 माइनस करेंगे वो क्या आ जाएगा, 25 में से हम 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा. 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास 20 प्लस था 13 प्लस आ गया, 25 प्लस था 16 माइनस था, बड़ी वैल्यू प्लस के लिए इसलिए हमने क्या किया प्लस लिया. अब हम इसे 4 9 जा 36 के फैक्टर बनाओ, अगर देखा जाए तो इसी में आंसर है. 4 और 9 को अगर हम प्लस करें तो 13 बन जाता. 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास इसके फैक्टर होंगे. अब हम क्या बनाएंगे इसके पेयर, 4x स्क्वायर प्लस 4x, एक पेयर आ गया हमारे पास सेंटर में क्या है, प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास आ गया. अब इधर क्या है, 4x का मान है, इधर क्या 9 का मान, 4x x प्लस 1 इधर 9 का मान है तो x प्लस 1 इधर आ जाएगा. अब x प्लस 1 और x प्लस 1 बोथ साइड कॉमन आ गया, तो 4x प्लस 9, 4x प्लस 9 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमने क्या करना है, इसके दो पोर्शन बना लेते हैं, बना लेंगे 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब 9 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 9,
4x is equal to minus 9, x is equal to minus 9 over 4. ये हमारा बस वैल्यू है, x is equal to minus 9 over 4. अब दूसरा हमने क्या करना है, हमारे पास वैल्यू x plus 1 की, जब x plus 1 है तो 1 plus वाला दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, minus 1. तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, माइनस 9 और 4 एंड माइनस 1. अब हम क्या करेंगे इसका चेक, चेक भी लिख सकते हैं आप लोग, चेकिंग भी लिख सकते हैं. वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2x प्लस 5. मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ फिर बाद में मैंने वैल्यू फिल करता हूँ, इसमें फिल करता हूँ. 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16, 7x प्लस 16 का स्क्वायर. तो हमने क्या करना है, पहले माइनस 9 और 4 को हम इसमें डाल देंगे, तो माइनस 9 ओवर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 9 ओवर 4 प्लस 16. ये हमारे पास वैल्यू हमने इसमें डाल दी, 9 2 18, माइनस 18 ओवर 4 प्लस 5 ओवर 1. 7 9 63, माइनस 63 ओवर 4 प्लस 16 ओवर 1. ये हमारे पास वैल्यू. अब हमने क्या करना है, बोथ साइड एलसीएम ले लेना है, 4 माइनस 18 प्लस 20 इज इक्वल टू 4 माइनस 63 प्लस 4 वन जा 4, 16 4 जा 64. अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करना है. ट्वेंटी प्लस क्या है, 18 माइनस क्या है, 2 ओवर 4, इसका आंसर आ गया 2 ओवर 4. बड़ी वैल्यू प्लस थी इसलिए प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 ओवर 4 का स्क्वायर. अब 2 1 2 2 2 4, 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 ओवर 2. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ साइड सेम आ गया, इसलिए हमारा आंसर भी क्या आ गया, सेम आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज, ऐसे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 माइनस 3. अब इसमें ध्यान में रखना कि 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 का स्क्वायर रूट और माइनस 3 जो है वो टोटली तौर पे साइड पे. अब हमने क्या करना है, माइनस 3 मैं अपनी तरफ ले आऊँगा, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14. ये हमारे पास वही पहला जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था सेम वही स्टेटमेंट. अब करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, 4x प्लस 3 13x प्लस 14. ए प्लस बी का स्क्वायर, 4 4 16, 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस
24x। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट दिया है इज इक्वल टू 13x प्लस 14। अब मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के अपनी तरफ ले आऊंगा, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वैल्यू सेम आ गई, 24 में से हम 13 माइनस करें, 16x स्क्वायर प्लस 11x, 4 में से 3 के 1, 2 में से 1 के 1, 11x आ गए। अब ये क्या हमारे पास माइनस 14, 14 में से 9 माइनस करें तो 5, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले हमने क्या था फैक्टराइजेशन, अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक फार्मूला। x a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला के हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस 4, b का स्क्वायर माइनस 4ac और 2a, ये हमारे पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या थी 16, माइनस 5 ओवर 2, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर क्या बन जाता है 121, 121 माइनस माइनस प्लस, अब हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 320, 320 इज इक्वल टू 13, ये हमारे पास वैल्यू है। हमने क्या करना है, इन दो वैल्यू को आपस में ऐड कर देना है, x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस प्लस 320 प्लस 121 इज इक्वल टू 441, 441 ओवर 30, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। अब 441 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 441 21, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 21 ओवर 32। अब हमने इसके दो पोर्शन बना लेने हैं, एक वैल्यू को प्लस से सॉल्व करेंगे, दूसरी वैल्यू को माइनस से सॉल्व करेंगे, माइनस 11 प्लस 21 ओवर 32, एक्स इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 21 ओवर 32, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एक हमने क्या किया प्लस से, दूसरी सॉल्व किया माइनस से, 21 माइनस माइनस 11 प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 10 ओवर 32, एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 2 2 ओवर 1 3। थर्टी टू वन सा 32
वन वन ज़ा वन थर्टी वन थर्टी टू वन ज़ा थर्टी टू थर्टी टू वन ज़ा थर्टी टू माइनस वन ये आ गया टू फाइव टू सिक्सटीन एक्स इजिकल टू माइनस प्लस फाइव ओवर सिक्सटीन हमारे पास आंसर निकल रहा है। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो इसे चेक कर लें सेम हमारे पास वैल्यू निकल रहा है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर थ्री एक्स प्लस हंड्रेड थ्री एक्स प्लस हंड्रेड स्क्वेयर रूट माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर। ये वन से लेकर फोर तक क्वेश्चन का सेम एक ही जैसा मेथड इसे अच्छी तरीके से आप जहन में रखें। अब हमारे पास क्या है माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा थ्री एक्स प्लस हंड्रेड इज इक्वल टू फोर प्लस एक्स। अब हमने क्या करना है इसे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड 3x प्लस हंड्रेड स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू फोर प्लस एक्स का स्क्वेयर 3x प्लस हंड्रेड स्क्वेयर रूट भी और साथ स्क्वेयर भी 4 प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब आपने क्या करना 3x स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा इसे हम करेंगे a प्लस बी का स्क्वेयर 3x प्लस हंड्रेड फोर का स्क्वेयर 16 प्लस एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर वन ज़ा फोर एट एक्स हमारे पास वैल्यू। अच्छा देख एक चीज़ ध्यान रखना जहाँ पे बड़ी वैल्यू है उस साइड पे जो कम वैल्यू है उस साइड पे लिख रहा है तो इस तरह आपको प्लस माइनस साइन से आपको सुनत मिलेगा 16 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस हंड्रेड ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया हमने हंड्रेड कर दिया इज इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स स्क्वायर को पहले उठा कर ले आओ एट में से थ्री गया प्लस फाइव एक्स माइनस हंड्रेड में से सिक्सटीन दे हंड्रेड में से सिक्सटीन कट करें या माइनस करें तो आ जाते हैं एटी माइनस का 84 इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्या बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस 84 12 की टेबल आया आपको अगर 12 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 84 12 7 ज़ा 84 अब 12 में से 7 अगर हम कट करें प्लस का सेवन माइनस का जब हम इसे कट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आते हैं वो आता है प्लस फाइव। अब इसके हम क्या बना लेंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस 84 हमारे पास। अब हमने इसके क्या बनाने पेयर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस 84 ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो हमने ऑटोमेटिकली अंदर का साइन क्या कर दिया चेंज कर दिया एक्स कॉमन है एक्स प्लस ट्वेल्व माइनस सेवन कॉमन है एक्स प्लस ट्वेल्व भी हमारे पास वैल्यू निकल आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है अब हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेल्व
एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास दो वैल्यू निकला है, एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। हम इसके क्या बना लेंगे, दो पोर्शन या दो पार्ट, किस लिए, ताकि हम एक्स की वैल्यू इजीली इसमें से फाइंड आउट कर सकें। एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व एंड एक्स माइनस सेवन, एक्स इज इक्वल टू सेवन। अभी हमारे पास आएंगे, अब हम क्या करेंगे इसका चेक, माइनस की वैल्यू डाल दो चेक में, थ्री मल्टीप्लाई ट्वेल्व प्लस हंड्रेड माइनस माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू है। अगर आप क्वेश्चन देखें अभी तक लिखा हुआ है थ्री एक्स प्लस हंड्रेड माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर, जहाँ जहाँ एक्स सामने क्या किया वहाँ पे माइनस ट्वेल्व पुट कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, ट्वेल्व को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेल्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स प्लस हंड्रेड माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर, ये हमारे पास वैल्यू निकल गई। अब 36 में 100 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 64, आंसर क्या है हमारे पास 64। पास क्या आंसर आ गया 64 का, अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास बनता है 8 8 64, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4, 20 इज नॉट इक्वल टू 4। अब हम इसे क्या कहेंगे, माइनस ट्वेल्व इज एन एक्सट्रीनियस रूट, सो दी सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, ओनली 7 आ जाएगा। एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस 21 एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस, हमारे पास वैल्यू है x प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। अब हम इसे a प्लस बी का स्क्वायर के अंदाज में करें, लेकिन क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस 21 एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ए प्लस बी का स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, हमारे पास वैल्यू
अब हमने क्या करना है, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट एंड स्क्वेयर स्क्वेयर रूट एंड एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस 21 प्लस, अब इन दोनों हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना, 2 बाय एक्स एक्स प्लस 21 प्लस 5 एक्स प्लस 21 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है, 1 और 1 2 टू एक्स प्लस 5 और 21 26 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 5 आंसर 5 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब फर्दर हमने इसे क्या करना है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा रखा है, अब हमने क्या करना है, इस दो वैल्यू को पहले सॉल्व कर देंगे, 21 और 5 को, ये 2x प्लस 26 प्लस 2 वैसे के वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 21 और 5 26 एक्स प्लस 105 जो मैंने ये मेथड यूज़ किया, लीनियर मेथड यूज़ किया, आप इसे अपना फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस वैल्यू को उठा के मैं दूसरी साइड पे ले आऊँगा, अब क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 105 स्क्वायर रूट एंड x प्लस 60 माइनस 2x माइनस 26 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इस वैल्यू को क्या करना है, इसका हमने क्या करना है, इसमें से हमने प्लस माइनस जो तरह कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 माइनस एक्स 60 माइनस 26 34 आ गया प्लस 34। अब इसे सिर्फ आप उठा लें, 34 माइनस, अब हमने क्या करना है, इसका स्केयरिंग ऑन, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 105 टू और ये टू का भी। आपने देखा ये टू था सेपरेट, इसका मैंने टू ले लिया, इसका भी स्क्वायर ले लिया के, और इसका 34 माइनस एक्स का भी हमने स्क्वायर दोबारा ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये वैल्यू है एज इट इज आ जाएगी हमारे पास, प्लस 26 एक्स प्लस 105 इज इक्वल टू, अब ये 34 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 115
आई सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 माइनस सिक्स वैल्यू अभी 68x। अब हमने क्या करना है, इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करें। 4x² प्लस 26 मल्टीप्लाई 4 104x प्लस 105 मल्टीप्लाई 4 420 is equal to 1156 plus x² minus 68x। यहाँ बस वैल्यू निकल गया। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के इस सेल पे ले आएंगे। 4x² plus 104x plus 420 minus 1156 minus x² plus 68x हमारे पास आ गया। तो हमने क्या करना है, इसे 4 में से 1 गया, 3 किया गया 3x², उसके बाद 104 और 68, 104 माइनस 68, ये भी प्लस, ये भी प्लस 104 प्लस 68 प्लस 172x। अब ये वैल्यू हो रही है 1156 माइनस 420। बड़ी वैल्यू माइनस किया, माइनस 736 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पुट कर देंगे। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 172, c इज इक्वल टू माइनस 736, ये हमारे पास वैल्यू। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 172, c is equal to minus 138। किस में पुट करेंगे इसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। x is equal to minus b plus minus 4 is b square minus 4ac over 2a, ये हमारे पास। माइनस बी माइनस 172 प्लस माइनस 172 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू माइनस 736। वैल्यू आ गई। अब हमने इसे क्या करना है, 172 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 172 का स्क्वायर लेंगे, इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 172 प्लस माइनस 172 मल्टीप्लाई 172 2958 प्लस 4 3 12 12 मल्टीप्लाई 736 88
हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना, प्लस 2958 क्या लेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 196। एक्स इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस माइनस 196 ओवर 60 हमारे पास इसका आंसर। अब हम इसे दो पोर्शन में चेंज कर देना है, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। x is equal to minus 172, 196 over 6. Minus 172, minus 196, minus 368, minus 368 over 6. अब ये टू से कट हो सकते हैं, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू वन ज़ा टू, एक और ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया माइनस 184 ओवर 3। अब दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस 196 ओवर 6, 196 माइनस 172 24 ओवर 6, 6 वन ज़ा 6, 6 फोर ज़ा 24। अब हमारे पास ये वैल्यू निकल आए, अब आप इसे पुट करें, x को 184 ओवर 3 को आप पुट करें, देखें इसका आंसर क्या निकलता है, चेक आपका काम करना। ये क्वेश्चन सीक्वेंस से आप लोगों ने वन बाई वन चलना है ताकि आपको इजीली क्वेश्चन सारे के सारे समझ आए, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बार बार समझ आएगा। ये हमने इसके 4 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।